एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस न्यू ड्रामा में आप सभी का स्वागत है। सो इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले हमारे ड्रामे की फीमेल लीड रुवेन राव से होती है, जो कि अपनी स्टोरी को एक तरह से सिंड्रेला की लाइफ से कनेक्ट करती है। उसके हिसाब से भले वो सिंड्रेला नहीं बन सकती, पर वो विंड्रेला तो जरूर है। यहाँ पर हमें उसकी कंडीशन के बारे में पता चलता है। तो वो बाहर से तो काफी खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पर अपनी असली जिंदगी में जाती है तो उसकी जिंदगी सिंड्रेला की तरह ही है। मतलब जैसे वॉल पार्टी में जाते टाइम वो सुंदर बन के जाती है, लेकिन घर पर बेचारे की हालत खराब रहती है। ऐसा ही कुछ हमारी विंड्रेला वेन राव के साथ है। हम बात करें तो वेन राव एक शू डिजाइनर है, जो की अपने लिए इन्वेस्टर ढूंढ रही होती है। उसका प्रोडक्ट काफी छोटा है, लेकिन वो सभी को अपनी कंपनी बड़ी बताती है। अपने मेन लीड शैनलियांग को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस डेटिंग ऐप का फाउंडर होता है और शुनमी कंपनी का ओनर भी। वेन राव अपने शू डिजाइन कंपनी पॉलीमोडा का दरअसल यहाँ पर ऑफर लेकर आती है। शुनमी की जो एम्प्लॉई है वो दरअसल वेन राव से बात करती है। यहाँ पे वेन राव उन्हें अपने कुछ मॉडल्स दिखाती है, ये मॉडल उनको पसंद नहीं आता और उसके बाद उसे रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे वेन राव थोड़ी अपसेट हो जाती है, बिकॉज उसे जल्दी से कोई ना कोई इन्वेस्टर तो चाहिए था। उसे अपने शू डिजाइन को दरअसल प्रमोट करना है, लेकिन उसके लिए इतनी जल्दी कोई तैयार होने वाला है नहीं। आफ्टर दैट वो परेशान होकर जाने लगती है। यहाँ पर वो लिफ्ट में एंटर करती है, तभी यहाँ पर एक डिलीवरी मैन भागते हुए आता है। उसके बाद वेन राव लिफ्ट को रोक लेती है, इसके बाद वो अंदर एंटर कर जाता है। साइड में खड़ी हुई लड़की उसे बाहर निकलने के लिए बोलती है, बिकॉज वो थोड़ा स्मेल कर रहा था। तभी यहाँ पर वेन राव से रोक लेती है और कहती है कि नहीं जाएगा। उसके बाद ये दोनों एक मिनट तक दूसरे को घूरती हैं, और उसके बाद इन दोनों में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और उसी लिफ्ट में हमारा मेन लीड शैनलियांग भी था, जो कि इन दोनों को देख कर एकदम अमेज खड़ा हुआ था कि ये क्या हुआ। यहाँ पर तीनों की तीनों लड़े जा रही थी, और इसके बाद लियांग बस इन्हें चुपचाप देख रहा था। आफ्टर दैट सभी लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर इन्हें सिक्योरिटी अप्रोच करता है और कहता है कि आखिर तुम सब लोग लड़ाई क्यों कर रहे थे। तभी यहाँ पर तीनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगती है कि इसने स्टार्ट किया था। यहाँ पर लियांग को पता था कि दरअसल वेन राव ने कुछ गलत नहीं किया था। इसके बाद वो वेन राव का साथ देता है, और उसके बाद वेन राव से थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। फॉर दैट वो यहाँ पर नोटिस करती है कि ये बंदा तो शुरमी कंपनी का ओनर है, तो ये उसकी हेल्प कर सकता है। फॉर दैट वो लियांग को अप्रोच करती है, भी वो लियांग को थैंक यू बोलती है, और उसके बाद उसे कहती है कि क्या हम एक साथ डिनर कर सकते हैं। तभी लियांग कहता है कि मे बी नेक्स्ट टाइम। इसके बाद वो जाने लगता है, तभी यहाँ पर वेन राव अपना कमाल दिखाती है और वहीं पर गिर जाती है। तब लियांग उसे उठाने के लिए आता है, तो फिर भी वो प्रिंसेस की तरह एक्ट करती है, फिर भी लियांग उसकी हेल्प करता है। अब पर वो उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है। आफ्टर दैट वो वेन राव को एक मौका दे देता है, सभी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन रखती है, लेकिन सारे की पॉइंट छुपा कर, जैसे कि उसका जो प्रोडक्ट है वो इटालियन है, जबकि होता कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ फेक था। लेकिन फिर भी लियांग उस पर ट्रस्ट करता है, उसके हार्डवर्क एंड उसके कॉन्फिडेंस को देखकर उसे हाँ बोल देता है। और इसके बाद वेन राव खुश जाती है, बिकॉज ये फर्स्ट ऑफर था जो कि उसे डायरेक्टली मिला था। इसके बाद वो लियांग को अप्रोच करती है और उसे डिनर के लिए बोलती है, तभी लियांग तो हाँ बोल देता है। आफ्टर दैट ये दोनों डिनर करते हैं, और इसके बाद वेन राव अपने घर पर जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विंड्रेला फाइनली अपनी ओरिजिनल लाइफ में आ गई होती है। यहाँ पर हम उसके घर को देखते हैं, जो कि काफी छोटा था और उसमें उसकी दो लाइफ बसी हुई थी। यहाँ पर एक साइड में देखते हैं सब कुछ ब्राइट एंड बिल्कुल सिंड्रेला वाली लाइफ, एंड जस्ट सामने एकदम डल। इसके बाद यहाँ पर वो लाइव शो करती है। हम वेन राव और उसकी फ्रेंड हान को देखते हैं, जो कि दरअसल एक शॉप पर काम करती है। यहाँ पर वेन राव अपनी ब्यूटी का यूज कर दरअसल कस्टमर्स को ये चीजें खरीदने के लिए और भी एक्साइटेड कर देती है, जब वो देखती है कि ये चीजें वेन राव पे कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। इसके बाद प्रोडक्ट का प्रोडक्शन पूरा होने से पहले ही ऑर्डर कर देते हैं, और ये स्ट्रेटजी इन दोनों के काफी काम आती है। वेन राव और लियांग दरअसल एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसके बाद लियांग भी कहीं ना कहीं वेन राव को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगता है। और इसके बाद वेन राव भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है, जिसके बाद इन दोनों की डेटिंग ही स्टार्ट हो जाती है, और डेटिंग और भी ज्यादा आगे बढ़ती जाती है, और इनका लव इंटरेस्ट एक दूसरे में इंक्रीज होता जाता है। और इसके बाद फाइनली लियांग वेन राव को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, और वेन राव हाँ बोल देती है। हम बात करें तो भले ही वेन राव ने पहले लियांग को अपने काम के लिए अप्रोच किया था, पर उसकी फीलिंग्स जो लियांग के लिए हैं वो एकदम ट्रू होती हैं। और लियांग तो वैसे भी वेन राव को बिना किसी फॉल्ट के पसंद करता है। यहाँ पर वेन राव ने उसे अपनी रियलिटी तो अभी नहीं बताई होती है, और लियांग अभी भी अंधेरे में था। इसके बाद ये दोनों डिनर करते हैं। यहाँ पर वेन राव आज लियांग के सामने कूल बनने के लिए कह देती है कि तुम मुझे हमेशा ट्रीट करते हो, सो आज मेरी बारी है। तभी लियांग कहता है कि इट्स ओके। वेन राव कहती है कि नो यू इट्स ओके। इसके बाद वो पे करने के लिए जाती है, यहाँ पर बिल देखकर उसका सर घूम जाता है। और इसके बाद वो वहाँ के ओनर से कहती है कि दरअसल मैं आपको अपने शूज में बहुत बड़ा ऑफर दूंगी, क्या आप मुझे थोड़ा
डिस्काउंट देंगे, मतलब थोड़ा ज्यादा वाला। यहाँ पर वो उसे घूर कर देखता है और कहता है कि आखिर ये लड़की आई कहाँ से। इसके बाद वैन राव को पे करना ही पड़ता है। यहाँ पर ये बात शादी तक पहुँच जाती है और ये दोनों ही दरअसल वेडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पर वैन राव उसे बताती है कि उसे बहुत ही ब्यूटीफुल सिंड्रेला टाइप वेडिंग ड्रेस चाहिए। तभी यहाँ पर लियांग उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे बिल्कुल सिंड्रेला की तरह रखेगा पूरी जिंदगी भर। उसे दरअसल अपनी वेडिंग के लिए कुछ ग्रीनिश टाइप माहौल चाहिए और वैन राव ने लियांग को अपना फेक घर दिखाया हुआ था जिसमें सब कुछ ग्रीन होता है। यहाँ पर लियांग उसे कहता है कि क्यों ना वेडिंग तुम्हारे घर पे की जाए। तभी वैन राव शॉक हो जाती है और कहती है कि मेरे घर पर। तभी लियांग कहता है कि हाँ तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है ना, तो इसीलिए वेडिंग तुम्हारे घर पर करते हैं। इसके बाद वैन राव थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन उसके पास कई सारे आइडिया हैं। वो कहती है कि वो एक बहुत ही बड़ा घर 3 दिन के लिए रेंट पर ले लेगी और उसके बाद किससे ही फर्क पड़ता है, ऐसे भी शादी कर लियांग के घर पर ही जाना है। तभी उसकी फ्रेंड उसके लिए तालियां बजाती है और कहती है कि तुम जैसा दिमाग शायद ही किसी शैतान के पास हो। उसके बाद वैन राव के शूज प्रोडक्शन का काम काफी आगे बढ़ जाता है और उसके बाद वो काफी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। यहाँ पर हम लियांग को देखते हैं जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए दरअसल वैन राव का वेट कर रहा था। यहाँ पर काफी टाइम हो जाता है पर वैन राव टाइम पर पहुंच नहीं पाती और इसके बाद वो काफी लेट हो जाती है और वो काफी एंशियस भी होती है बिकॉज उसे भी लियांग की चिंता थी। जैसे ही वो भागकर शॉप पर जाती है तो देखती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद वो बैठकर रोना स्टार्ट कर देती है कि आखिर उसने लियांग को हट कर दिया क्या। तभी लियांग पीछे से उसके पास आता है और कहता है कि वो मुझे लगा कि तुम थोड़ी लेट हो जाओगी बिकॉज तुम फैक्ट्री के काम में बिजी थी राइट, इसलिए मैं तुम्हारे लिए डिनर लेने के लिए चला गया। तभी यहाँ पर वैन राव कहती है कि तुम टायर्ड नहीं हो। तभी लियांग कहता है कि इट्स ओके, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत सारा काम है जो तुम्हें करना होता है एंड मैं सारे स्टाफ को भी इसीलिए डिनर पर ले गया था ताकि वो भी ज्यादा वेट ना करें। इसके बाद वैन राव और भी ज्यादा बर्डन फील करती है कि आखिर वो लियांग को चीट कैसे कर सकती है, मतलब वो उसे इतना बड़ा झूठ बोलती आई है और आगे भी झूठ बोलती रहेगी। सो इसके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था। यहाँ पर ये दोनों अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करते हैं और इसके बाद यहाँ पर पहले किस करते हैं। After that, काफी हिम्मत जुटाकर हमारी विंड्रेला फाइनली डिसाइड करती है कि वो अपने प्रिंस को बता ही देगी कि दरअसल उसकी कंडीशन क्या है और वो उतनी रिच नहीं है जितना कि वो दिखाती है और उसने जो भी स्टार्टिंग से बोला सब कुछ झूठ था। After that, वो लियांग के पास जाती है। यहाँ पर लियांग कहता है कि अच्छी बात है कि तुम खुद ही आ गई, मैं भी तुम्हारे पास ही आने वाला था कि आखिर तुम मुझसे कब तक झूठ बोलने वाली हो, जब तक कि हमारी शादी नहीं हो जाती उसके बाद तुम जिंदगी भर मुझसे झूठ बोलोगी राइट। यहाँ पर विंड्रेला के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है कि ये इसे कैसे पता चला। इसने पहले कुछ एक्सप्लेन कर दी तभी लियांग उसके सामने एक बुक लेकर आता है और कहता है कि हनी लुक एट दिस, ये स्टोरी कितनी ज्यादा मिस्टेबल है, आखिर इसमें इतनी डीप लाइन मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है, इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर विंड्रेला मतलब हमारी वैन राव डर जाती है कि नहीं वो अभी नहीं बता सकती, अगर उसने बताया तो उसकी ड्रीम्स की ऐसी की तैसी। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा होता है, मतलब लियांग को वो पूरी तरीके से उल्लू बना ही रही होती है। तभी यहाँ पर ड्रामे में हमारी सेकंड मेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम है शू जी गुआंग, जिसे कि पहले हमारी वैन राव बड़े अच्छे से उल्लू बना चुकी थी। यहाँ पर शू जब लियांग से मिलता है तो उसे अपने बिजनेस के लिए अप्रोच करता है। दरअसल उसका सिर्फ बहाना था बिजनेस के लिए अप्रोच करना, दरअसल उसका असली काम तो वैन राव से था। उसके बाद वो यहाँ पर बैठे बैठे ही लियांग से कहता है कि जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर लियांग अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा था, मतलब वैन राव के बारे में, कि नहीं कुछ लोग परफेक्ट होते हैं। शू कहता है कि नहीं, पहले कि मुझे भी एक लड़की ने बहुत ही बड़ा उल्लू बनाया था और उसके बाद मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया हूँ, इसीलिए तुम भी संभल कर रहना कि बिकॉज उसे पता था कि जिससे वो शादी कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वैन राव है। इतने में वैन राव भी लियांग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और लियांग उसे शू से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पर वैन राव शू को देखकर एकदम सरप्राइज जाती है। उसके बाद लियांग अपने काम के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। तभी शू कहता है कि अच्छी बात है तुम्हें कोई नया बकरा मिल गया। तभी यहाँ पर वैन राव कहती है कि तुम चुप करो, मैं और लियांग दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करने वाले हैं। तभी शू कहता है कि वाओ अमेजिंग स्टोरी, मुझे तो लगता है कि मैंने स्टोरी पहले भी सुनी है। वैन राव कहती है कि हमारी स्टोरी अलग थी और जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुम्हारी वजह से। तो यहाँ पर शू कहता है कि तुम्हें लगता है कि जब लियांग को पता चलेगा सब कुछ सच्चाई तुम्हारे बारे में तो उसका रिएक्शन क्या रहेगा, तुम्हें लगता है कि वो तुमसे शादी करेगा। तू मुझसे प्यार करता है और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं। यहाँ पर इन दोनों में आर्गुमेंट चली रही होती है तभी लियांग पहुंच जाता है और उसके बाद शू लियांग के सामने ही वैन राव को फेक बोलता है और कहता है कि ये ठीक नहीं है। तभी यहाँ पर लियांग कहता है कि चुप करो, तुम मेरी वाइफ को बुली कैसे कर सकते हो, निकल जाओ मेरे ऑफिस से, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्टेक्ट रखना ही नहीं है। तभी शू कहता है कि अच्छा पागल इंसान है, मैं तो उसे समझा रहा था कि भाई जाग जा, सही है लोगों को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में ज्यादा मजा आता है, तो
होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बन रहा हूँ, तुम्हें तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज जो तुमने मेरे साथ किया था वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। आफ्टर दैट फाइनली इनकी शादी का दिन आ जाता है। यहाँ पे इनकी शादी भी बड़ी अटपटे ढंग से होती है। दरअसल शू अपना दिमाग लगाता है और शादी के वेन्यू पर दरअसल डायरेक्टर को भेज देता है जो कि यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आए थे। उसके बाद वेन राव सारी सिचुएशन को संभालते हुए लियांग से कहती है कि ये दरअसल हमारी वेडिंग का फोटोशूट करने के लिए आए हैं, इसलिए हमें इनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये एक्टिंग काफी दूर तक चली जाती है, लेकिन फाइनली इन दोनों की शादी हो ही जाती है। वेन राव को एक परफेक्ट फैमिली मिल जाती है कि उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। लियांग और लियांग के फादर वेन राव को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। यहाँ पर वेन राव काफी बर्डन फील कर रही थी कि आखिर वो इतने अच्छे लोगों को चीट कैसे कर सकती है, पर वो प्रॉमिस करती है कि जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा वो सब कुछ बता देगी आखिर उसने ये सब क्यों किया था। वो लियांग को सच में प्यार करती है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी डिजायर ही नहीं है। यहाँ पर हम विंड्रेला को देखते हैं जो कि दरअसल अपने घर पर दोबारा आ जाती है और उसके बाद अपनी विंड्रेला वाली लाइफ में चली जाती है। यहीं पर हम शू को देखते हैं जो कि अपनी कार के बाहर से उसे देख रहा होता है और उसके बाद अपने कुछ फ्लैशबैक याद करता है। हमें पता चलता है कि शू की स्टोरी भी विंड्रेला से काफी गहरे तरीके से जुड़ी हुई है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।